आप लोगों ने जैसे कैप्शन पढ़ा हुआ है आज वही होने वाला है, मतलब आई विल बी राइडिंग सोलो फ्रॉम हियर। मैंने इनको मनाने की बहुत कोशिश की है बट सर को उत्तराखंड ऑलरेडी सर एक्सप्लोर कर रहे थे तो वो सर अपने रूट पे जाने वाले एंड केवल याकूब घर से बुलावा आ गया तो उसको इमरजेंसी काम से जाना पड़ेगा बट होपफुली बोलते रहा है, पता नहीं है ज्वाइन करेगा कि नहीं वापस। और मैं तो टकराता रहूँगा, सर बोले सर टकराते रहेंगे क्योंकि सर भी उत्तराखंड में ही रहने वाले, मैं भी उत्तराखंड में ही रहने वाली बट हमारे रूट्स अलग है। मेरा अभी 13 डिस्ट्रिक्ट का जो राइड है वही चलेगा, वही चलने वाला है और मेरा अब तो पता नहीं कुछ प्लान ही नहीं हो रहा है, अनप्लान जाने वाली मतलब एक्चुअली ऐसे हो रहा है ना, मेरे को जहाँ पर मन कर रहा जाने का मैं वहाँ पर जा रही हूँ अभी। आप लोग अच्छी उत्तराखंड एक्सप्लोर करूँ बट अगर मैं सर के साथ करूँगी तो मतलब वो बोलते ना कि सर जहाँ पर रुक रहे वहाँ पर मेरे को रुकना पड़ेगा और जहाँ मेरे को रुकना है वहाँ पर सर को रुकना पड़ेगा, दोनों चीजें होगा। हाँ। जहाँ जिसका मन करे वो नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और मैं बंधा हुआ हूँ 13 डिस्ट्रिक्ट करने के लिए। हाँ। और मेरे को अभी देखना है बहुत सारी चीजें, अभी जैसे भोलेनाथ का भूत चढ़ गया है ना मेरे को, सोच रही हूँ उसके हिसाब से कुछ करो करके अभी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, शिव ऑन द रोड। क्या हुआ जिंदगी, जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे रोड पर। केदारनाथ यात्रा हमारी हो चुकी है पूरी बट अभी ऐसे सोलो जाने का प्लान है। आई एम गोना मिस माय बॉय सो मच बिकॉज ये लोग थे साथ में तो आई हैड फन, मतलब जितनी धतिक में कर सकती थी जितना फ्रीडम मेरे पास था वो सब था। अभी थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा बिकॉज उत्तराखंड इज़ माई फर्स्ट राइड बट इसके पहले सोलो राइड मैंने काफ़ी किया। इज इज़ दैट नया शहर नया स्टेट, ठीक है कर लेंगे अपन। गंगरप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, हर हर महादेव। अभी तक के जहाँ से मैं निकली हूँ गुप्त काशी से निकली हूँ, गुप्त काशी से उखीमठ का रास्ता लेना होता है आपको एंड उखीमठ से बोर्ड दिखेगा तुंगनाथ के लिए। मेरा आज का एक्चुअली प्लान है कि तुंगनाथ चले जाओ बिकॉज मैं बोल रही हूँ ना ऐसे महादेव का जो भूत चढ़ा हुआ है ना मेरे ऊपर अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि आज तुंगनाथ चले जाओ। ओ हो हो भाई साहब रास्ते तो देखो। बाय द वे हम चोपता से एंटर कर चुके हैं, चोपता की लाइन में ही आता है ये वाला रास्ता बट एक्चुअल चोपता मोटर ब्लॉग में ध्यान दूंगी तो चलाने को आंदर जाएगा। एक्चुअली चोपता इज़ अराउंड 25-30 किलोमीटर्स मोर। अभी तक के मैंने 11 किलोमीटर चला लिए गुप्त काशी से। ओहो हो इसको बोलते वादिया। और भाई केदारनाथ हो गई मेरी, तुम लोग नहीं आए मेरे साथ। पूछा था ना तुम लोगों को केदारनाथ चलोगे क्या, नहीं चले तुम लोग, अभी यहाँ पर ऐसे गोल गोल घूम रहे हो। रुको मैं तुंगनाथ जाकर आती हूँ, तुम लोग को चलने का तुंगनाथ। अभी मेरे जर्नी के फ्रेंड्स ये लोग ही रहने वाले। 40 का स्पीड मैंने मेंटेन किया है, आराम आराम से अपन जाएंगे। अपना इंसा 360 का कुछ तो भी हो गया है, इधर लगा रही तो ऐसे लुड़बुड़ लुड़बुड़ हो रहा है। एक्चुअली सही से माउंट नहीं किया है, मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर 3 mm टेप लगा दूंगी करके तो आसानी हो जाएगी। अलर्ट लैंडस्लाइड जोन। अचानक से ना मेरे को मेरी बाइक हैवी लग रही है, आई थिंक काफ़ी टाइम बाद चला रही हूँ मैं इसीलिए हो सकता है। हेलीकॉप्टर की आदत हो गई थी तो ओहो ध्यान से ध्यान से। इधर तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम लोग भगा सकते हो, अगर सही वाले रोड भी आते हो तुम लोग सोचते हो भगाओ करके तो भगा के भाई रुक जाना। हेलो डॉगी, जिंदगी एक सफर। देखो रास्ते यार, ओ प्रतिम रास्ते। भाई बहुत भयंकर वाले रास्ते है ये, बहुत ही भयंकर। बैलेंस संभाल के रखना है वरना सीधा नीचे टपक से नीचे। ओहो बहुत हार्ड रास्ते, बहुत हार्ड। ऊपर तो देखो ऊपर फैंटम मचा रहे अपन दोनों आज। भाई एडवेंचर पसंद है तुम लोगों को करने को तो ये वाले रास्ते पे आना मांगता है, ऐसे लग रहा है कोई मूवी चल रही है करके। भाई साहब
हकीकत है क्या ये? मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम हेल्पलेस बिकॉज जगह ये कुछ ऐसी है कि मुझे रुकने का मन कर रहा है। मतलब लुक एट द रोड, कोई नहीं है, मतलब मेरे और फैंटम के अलावा, और प्लस यहाँ पर वाटरफॉल हो रहा है एंड दोनों बाजू पेड़, ग्रीनरी ग्रीनरी। इसीलिए सोलो राइड करने का, समझ रहे हो? जहाँ मन, वैसे तो मैं रुक सकती थी ये लोग के साथ, बट दैट फील इज डिफरेंट व्हेन यू राइड सोलो। रीज़न इसलिए रुकी हूँ क्योंकि ये जो अपना है 360 वाला, वो माउंट कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 360 व्यू तुम लोगों को नहीं दिखाऊँगा तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोड्स ऑफ माई उत्तराखंड राइड। क्योंकि चोपता को बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड, अब तक आया नहीं है, आएगा और देख के मालूम पड़ेगा, बट ऐसी स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग तो मुझे अभी आने ही लगी, बिकॉज टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है। देखो इंस्टा 360 तो मैंने लगा दिया है, अब जो अपने गुप्त काशी के सब्सक्राइबर थे केदारनाथ से, ये फैंटम के लिए माला लिए थे, तो ये फैंटम को मैं अभी पहनाने वाली हूँ। बोले दूर दूर से देखो चिल्ला लो, कोई नहीं है, हेलो। वो बंदर जो रोड पे दिखे था ना, वो आएगा अपने को देखने को। टॉप बॉक्स का बहुत सही तरीके से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी तो टॉप बॉक्स में माउंट करते करते ही होगा जो होगा। हाँ, हाथ ठंडे हो गए मेरे पूरे, 10 बज गए, 9:55, अच्छा खासा हाफ एन आवर का मैंने यहाँ पर सुकून का, खुद को टाइम दिया, फैंटम को टाइम दिया, बस अभी चलते यहाँ से। आप देखना है ये वाला तो माउंट मैंने लगाया, वो कितना स्टेबल है। It'd be easier for me if I turn away to flee, oh. But there's something holding on. पीछे बोर्ड था अभी, डायवर्स हो रहा था, यहाँ पर रास्ते में कोई टेंशन नहीं है, साइन बोर्ड्स आर देयर एवरीवेयर। ओ भाई भाई भाई, फील इट गाइस, फील इट थ्रू माय वीडियो, फील द रोड्स, फील द वाइब, कीप वाइबिंग। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोग को मेरी वीडियो तो दिखा सकती हूँ करके, यहाँ के रास्ते कैसे हैं। और बाय द वे स्क्वाड, यहाँ का टेम्परेचर इज 11, अभी लगता मैं पूरा ऊपर पहुंची भी नहीं, अभी और ऊपर जाऊंगी तो पता लगेगा कितना टेम्परेचर हो गया है। चमोली 60 किलोमीटर है भाई, क्या मतलब, पूरा ग्लेशियर दिख रहा है वहाँ पर, मतलब ऊपर क्या मजबूत ठंडी रहने वाली है। अरे यार, बार बार न्यूट्रल हो जा रही है फैंटम। तो ऐसे काफी सारे आपको एडवेंचर कैंप्स एंड टेंट दिखाई देंगे ऑन द वे। नजर हटी, दुर्घटना घटी, बोर्ड पड़ने गया, सामने खड्डा आ गया। नहीं नहीं, यहाँ पर तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। सावधान, सड़क पर बर्फ होने की दशा में वाहन आगे न ले जाए। अभी बर्फ नहीं था, अपन वाहन आगे लेके जाएंगे, बट यहाँ पर रुकने का कारण है आई हैव रीच चोपता, एंड यहाँ का जो दिखाई दे रहा है बर्फ बर्फ ऐसे ऊपर ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। केदारनाथ में तो टुक पुटक दिख रहा था, इधर तो अगर उड़ जाए तो ठीक है, कोशिश कर सकती हूँ मैं, क्योंकि जब लास्ट उड़ाया था ना उसके बाद में अभी अपनी फट तो रही है, प्लस स्पॉटर नहीं है आज अपने पास, केवल होता था स्पॉट करता था, अभी स्पॉटर नहीं तो उड़ा तो उड़ा, नहीं तो नहीं। उड़ाने के लिए मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी बता देती हूँ। अपनी बाइक फैंटम उधर पार्क किया है और ये ऐसे चल के पूरा इधर, अबे कैमरा का पैलेस हो गया, और इधर पहुँच गया। आप देखते हैं यहाँ से दृश्य कैसे, खराब है, मेरे पास सिर्फ दो ही बैटरी है। मैंने इतने रिस्क पे उड़ाया कि जब उड़ा रही थी तब पता चला कि रिमोट कंट्रोल की बैटरी लो है, उड़ा लिया, बट फिर भी ऐसे में शाबाशी अपने आप को आजकल नया देती रहती हूँ। बस अभी यहाँ से 2 किलोमीटर में चोपता है, एंड वहाँ पर कैफे में मुझे जाना है,
जाना है मुझे। एक बहुत बड़ा पंगा आ गया, मैं स्लो अभी इसीलिए चला रही हूँ। वाह वाह वाह, क्या व्यू है, क्योंकि मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि मेरा जो टायर है वो पंचर हो गया है, आगे वाला टायर ऐसे 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 हो रहा है, या तो हवा कम है या तो पंचर है। रे 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 रे, अभी तक तो कोई पेट्रोल पंप मुझे दिखा नहीं आया, होपफुली आगे चोपता में होना चाहिए मेन। अरे रे रे रे, गया पूरा टायर गया। चल जाया पेट्रोल पंप तो चल जाए, पता चलेगा क्या है। पंचर वाला सीन पता नहीं चल रहा है, मतलब मैंने टच करके तो देखा इसको, ऐसे दबा कर तो देख रही हूँ तो हवा तो बहुत इंटैक्ट लग रही है। नो, कुछ ना कुछ सीन तो होगा, बिकॉज गाड़ी ऐसे डगमगा रही है फ्रंट टायर। अभी अपने को जाने का तुंगनाथ, तुंगनाथ इज यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो मैंने गाड़ी अपनी यहाँ पर पार्क कर दिए मोक्ष कैफे के पास। सामान वामान यही पे छोड़ के इनके हवाले मैं जा रही हूँ अब ऊपर चेंज करके। तो मैंने चेंज तो कर लिया है अब मेरे कपड़े। अब यहाँ पर सारे राइडर्स ही आके रुकते हैं, बिकॉज मैंने देखा सबके हेलमेट वेलमेट ऐसे आस पास पड़े हुए हैं। अभी अपन खा रहे बन मस्का एंड हॉट चॉकलेट, सुविधा है हॉट चॉकलेट की तो पी लेती हूँ, मतलब अलग चोचले मेरे अभी राइड पे। तुंगनाथ वाला जो सफ़र है हमारा शुरू हो चुका है, मैंने चलना शुरू कर दिया है। अब तो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ी कि मेरी सांस फूलने लग गई है। और ये पहली सीढ़ी हम चढ़ते हुए, हाथ पहुंच जाए खाली। बंदा मिला, उसने बोला कि उसको लग गए 3 घंटे चलते चलते। अब देख लो नज़ारे भी देख लो, मैं बात भी कर रही हूँ, अपने को कितने घंटे लगने वाले देखना पड़ेगा। और ये सक्सेसफुली 1 किलोमीटर पार करते हुए, ये वाला दिखेगा आपको शॉप, ये शॉप पे इतना कॉमेडी सीन हो रहा है यहाँ पे, सब्सक्राइबर्स मिलते जा रहे हैं, और जितने सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं सबको मैं कैमरा थमा दे रही हूँ, भाई एक बीरोल काट ले करके। ये स्पॉट हुई दूसरी दुकान है, ये वाला दादा को मैंने पूछा कितना हो गया, तो उन्होंने बोला आधे से ज़्यादा, मतलब 60% ऑफ द ट्रैक कम्प्लीट। उसके खुशी में अपने आप को एक ट्रीट आप। हाय ईवी, हेलो। एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को ना भाई, डॉग्स भी आ रहे ट्रैक पे, देख लो तुम शैडो को लेके आऊंगी तो मेरे से आलसी है वो भी। हमारी जो बाइक पार्क्ड है वो वहाँ पर है, वहाँ से समझ लो वो अंदर अंदर खाई 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 करके ऐसे 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 गोल 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 के ये करके आए, और अभी यहाँ पर जाना है वो यहाँ पर भोलेनाथ भरोसे, जो होगा देखा जाएगा। इतना तो आ गए, आधे घंटे बाकी, अभी वादियों की मजा ले रही हूँ मैं भाई साहब। वो महादेव के मंदिर वो रही बीच में, मैंने व्लॉग बंद कर दिया था क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ताकत चाहिए थी, अब से ऊपर चले के तुमको दिखाती हूँ। 5 मिनट पहुँच जाएंगे, हाँ हाँ यही है बिल्कुल ये भाई, देखो 5 मिनट पहुँच जाएंगे, एक और सब्सक्राइबर यहाँ पर मिल गए। 5 मिनट बोल रही है, 5 मिनट एक घंटा हो गया। टाइम चेक स्क्वाड, इट्स 2:50 राइट नाउ, और हमको सिर्फ 2.5 घंटे 2.5 आवर्स लगे यहाँ पर पहुँचने के लिए, कि दर्शन कर लूँ भोलेनाथ के, दर्शन कर लूँ फिर जो है दिखा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। हेलो भोलेनाथ जी, तुंगनाथ महाराज के मंदिर तो हम लोग फाइनली पहुंच गए, ये है भूतनाथ टेम्पल। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा ऊपर अगर चंद्रशिला जाना है, तो मैं नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि अब मेरे से बस हो गया, मतलब भाई अभी कितना ट्रैकिंग करूँ कर करके, इसलिए मैं यहीं पर हूँ। बट ये वाला जो व्यू आप यहाँ से देख रहे थे ना पूरे मेरे जर्नी में, पूरे व्लॉग में, अभी तो धूप आ रही नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ से बहुत ही बेटर वाला व्यू है।
हम जहाँ पर जाते हैं डिवोशन वाली जगह पे, वहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी तो हम देख लेते हैं. थैंक्स टू विकिपीडिया एंड थैंक्स टू माय मॉम, उन्होंने बताया दिस इज हाईएस्ट शिवा टेम्पल्स इन द वर्ल्ड. एंड जो पंच केदार है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से भी ये सबसे हाईएस्ट में. तुंगनाथ मीन्स लॉर्ड ऑफ पीक्स. एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, जहाँ पर शिव जी की मंदिर होती है ना, वहाँ पर भैरवनाथ तो मतलब होते ही होते हैं. अब इसके पीछे का क्या बोले रहस्य है या क्या रीज़न है, वो तो मैं आपको बाद बताऊंगी अगर मुझे पता चलेगा तो. अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ रिकमेंड डाउन बिलो. और मैं अभी देख रहा हूँ, एंड यहाँ पर शिव जी के टेम्पल के अलावा जैसे पार्वती माता की मंदिर, जैसे भैरवनाथ जी की मंदिर, भूतनाथ की मंदिर और चंद्रशिला. तीन चार ब्लॉग मैंने बताया था गुप्त काशी में जो शिव जी गायब हो गए थे एंड 5 डिफरेंट डिफरेंट जगह पर प्रकट हुए थे, उसमें से एक जगह ये है. देखो यहाँ से नीचे का डिस्टेंस ना लगभग 1-1.5 आवर लगने वाला है. मैं आपको नीचे पहुँच के बताऊँ कितना टाइम लगा, बिकॉज सीन सीनरी तो उनको दिखा दिया है मैंने अभी, और नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड नाउ. आई नीड टू कीप द कैमरा डाउन, प्लस नीचे आके मुझे राइडिंग करना है. तो मैं कैमरा नीचे रख रही हूँ, उतर जाऊँगी ना तब बताऊँगी क्योंकि कितने टाइम में उतरी हुई है. ठीक है, एग्जैक्टली 6:15 एंड यहाँ पर अपनी गाड़ी रेडी हो गई है. मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ऐसा थड़ा उनसे ड्रॉप हुआ है, आप लोग सोच नहीं सकते हो. मतलब मैंने जैकेट तो पहन लिया, इसके अंदर 2 थर्मल लेयर्स ऑफ टी शर्ट, 2 थर्मल लेयर ऑफ पैंट एंड देन राइडिंग जैकेट एंड देन राइडिंग पैंट. चोपता की मतलब बात ही कुछ ऐसी है, टेम्परेचर अपनी भी हालत ऐसी कुछ हो गई है. बट आई एम प्लानिंग टू राइड यहाँ से थोड़ा सा एटलीस्ट कवर कर लूँ ताकि आगे और कुछ देख सके. तो अब यहाँ से निकलते कैफे में, मतलब खाना पीना तो मैंने मज़ेदार कर लिया है. पैर ने अभी तक जवाब नहीं दिया अपने, सही से चल रहे, देखते कब तक चलती है मेरी टांग. देखो निकलते निकलते हमको कौन मिल गया है, सौम्या एंड वैष्णवी. आई फील सो प्राउड ऑफ देम बिकॉज ये लोग स्कूटी से, कहाँ से आए आप लोग? हरिद्वार से रेंट करा उन्होंने और दे आर डूइंग केदारनाथ बद्रीनाथ. जो गाड़ी मिलती है, साइकिल भी मिलती है तो लो और निकल जाओ. एंड 2 गर्ल्स टूगेदर, ऐसे ऐसे और लड़कियां आ जाओ यार रस्ते पे, बस मजा आ रहा है, धमाल मचा देगी अपन सब साथ में मिलके. उजाला तो देखो भाई, अपनी जो लाइट है उसका बाजू पब्लिक मचा दे, वो जाएंगे क्या रिफ्लेक्टर्स लगा के. मतलब इतना सही काम किया है ना ये लोग ने, वरना ये रास्ते इतने डरावने हैं. डरावने नहीं है एक्चुअली, बहुत प्यारे रास्ते, बस रात को थोड़ा सा ऐसे अकेले चलाने को डर लगता है. बट अभी तो टाइम तो 6:30 ही हुआ है भाई. तो वे फैंटम बेटा, अब तू ही मेरा सहारा महादेव जी के साथ. भाई 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 होए 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 होए. ज्यादा नहीं चलाने वाली हूँ मैं, अभी तक के सिर्फ 38 किलोमीटर ही किए जब से निकली हूँ तब से. बोर्ड दिखाने के लिए गई, मंडल 13 किलोमीटर है, गोपेश्वर 26 किलोमीटर और चमोली 36. बहुत भयंकर वाले रास्ते हैं यहाँ पर, ऐसे रास्ते हैं पूरे स्ट्रेच पे. अभी सही वाले रास्ते एक भी आ ही नहीं रहे. हिमालय में उनका फायदा है भाई, सीरियसली. अभी हल्का सा शोल्डर पेन चालू हो गया मेरा, बस मेरा टॉप बॉक्स सही सलामत रहे. 1 घंटा लगा मुझे 20 किलोमीटर कवर करने के लिए. अभी एक छोटा सा हॉल्ट लिया है मंडल में, बस रुक गई हूँ यहाँ पर. लाइट वाइट है, गांव भी आसपास, तो मैंने बोला थोड़ा सा ब्रेक ले लेती क्योंकि यहाँ से मेरे को थोड़ा सा डाइसी है कहाँ जाना चाहिए, गोपेश्वर जाना चाहिए कि चमोली जाना चाहिए. अब गोपेश्वर यहाँ से 15 किलोमीटर है और घाट पे 15 किलोमीटर करने के लिए हमको लग जाएगा लगभग 45 मिनट्स टू एन आवर. एंड चमोली यहाँ से है कुछ 25 किलोमीटर, नहीं पता. और मतलब यहाँ पर तो रास्ते में तो मैं बिल्कुल रुक नहीं सकते हो बिकॉज दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा और मेरी कैमरा की बैटरी गई, इसलिए अपन फ़ोन से व्लॉग कर रहे हैं. एक और चीज़, अभी मोटो व्लॉग मैंने कैमरा बंद कर दिया है क्योंकि चालू बंद करने में दिक्कत हो रही है बिकॉज रोज ख़राब है, एक हाथ से चालू बंद करना इज़ नॉट सेफ. तो जहाँ जहाँ मैं हॉल लूँगी ना अपन वहाँ स्टोरीज बताएंगे ताकि मैं बताऊँगा मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ आज. मैं अभी तक यहीं पर हूँ, बट एक्चुअली मैंने स्ट्राइक नहीं किया कि ये पीछे जो बोर्ड लिखा हुआ है देवा होम स्टे, मतलब देवा ने ऐसा बता दिया है बेटा बस हो गया, अब रात हो गई है, अब इसकी जगह नहीं जाना चाहिए क्योंकि चलाने को. तो ये वाले पीछे जो दादा है, मैंने उनको पूछा अगर मिलता है तो दे दो करके, तो इन्होंने अपने को दे तो दिया है. मतलब 1, 2, 3, 4 बेड वाला रूम मिल गया अपने को. तो आई थिंक आज के लिए व्लॉग इतना ही ख़त्म कर देते हैं.
अगर अंशुल और केवल हो तो शायद यहाँ पर फिट हो जाते हैं। आज राइड में मैंने उनको सबसे ज़्यादा मिस किया, बिकॉज जैसे ही रात होती थी ना, वो लोग केवल आगे चला जाता था, अंशुल पीछे हो जाते थे और मेरे को बीच में, मतलब सेफ साइड रख के चला जाते। आज शायद वो लोग होते तो मैं और आगे तक चले जाती। बस गाइस आज के लिए इतना ही। एज ऑलवेज दिस इज डायरेक्टर विशाखा साइनिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम गोना सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग। देखते रहो व्लॉग, पता चलेगा मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ एक्सप्लोर करने को। पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, कमेंट ऑन मिले फेवरेट पार्ट एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। अपने मतलब स्क्वाड ऐसे बढ़ती जा रही है। आज मैंने कम से कम 30-35 स्क्वाड मेंबर्स को मिला है। टिल देन कीप कम एंड गिव अ टक मोर पार्ट टू यू। हर हर महादेव।